ओके तो गाइस ये है 5,999 रुपीज स्मार्टफोन ऑनर की तरफ से। एंड हाँ, आप में से कोई एक लकी विनर जीत सकता है इसी स्मार्टफोन को, कैसे वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। मैं दोस्तों ये है ऑनर के तरफ से एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन ऑनर 9S। वेल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है एंट्री लेवल के हिसाब से ऑनर के तरफ से। एंड इसकी अनबॉक्सिंग दोस्तों मैंने पहले ही कर दी थी, जिसके बारे में दोस्तों मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता पाया। तो आज इस वीडियो में दोस्तों इस फ़ोन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आखिर क्या खास है इसी ऑनर के नए लेटेस्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन में। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और हमेशा की तरह दोस्तों टेक्नोलॉजी के अंचल में आपका स्वागत है। सो यह है गाइस ऑनर 9S, जो कि आता है 5.45 इंच की एक HD प्लस डिस्प्ले के साथ। एंड यस दोस्तों ये एक 720p डिस्प्ले है। एंड अगर मैं दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करता हूं तो यस एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से आपको डिस्प्ले काफी अच्छा मिल जाता है। बैक साइड में दोस्तों आपको पॉलीकार्बोनेट बैक दे रखी है, जो आता है स्क्रैचलेस बैक के साथ। मतलब अगर आप इसमें किसी भी तरह के स्क्रैच करने की कोशिश करते हो तो आपको कोई भी स्क्रैच नहीं आते, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट चीज, ये अल्ट्रा स्लिम है, पोर्टेबल है, इसका टोटल वेट 144 ग्राम है, 8.35 mm ये थिन है। तो देखा जाए तो यस फोन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। एक चीज़ दोस्तों मैं ज़रूर कहूँगा, फ़ोन का दोस्तों जो डिज़ाइन है वो मुझे पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। फ़ोन में आपको ये जो कैमरा मॉड्यूल दे रखा है स्क्वायर टाइप में, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी और एक कॉम्पैक्ट फ़ोन में ये काफ़ी सूट भी करता है। उसके अलावा दोस्तों बैक साइड में आपको ये जो पॉलीकार्बोनेट बैक तो दे रखा है, हाँ भले ही पॉलीकार्बोनेट बैक है और एंट्री लेवल स्मार्टफोन में हमें पॉलीकार्बोनेट बैक ही देखने को मिलता है, पर दोस्तों इसमें आपको जो फिनिशिंग दे रखी है, ये जो स्क्रैचलेस बैक दे रखा है, ये अगर आप इसमें स्क्रैच करने की कोशिश भी करते हो तो स्क्रैच नहीं आते, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ऑनर 9S में। फोन में दोस्तों आपको 3020 mAh की बैटरी दे रखी है, जो मैं कहूँगा एक डिसेंट बैटरी है यहाँ पर। सो या बैटरी बैकअप कहूँगा मैं इस फोन में डिसेंट है। फोन में दोस्तों आपको 8 MP का सिंगल कैमरा दे रखा है F2.0 अपर्चर के साथ। और ये रहे कुछ कैमरा सैंपल इंडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में, आप देख सकते हैं। मैं कहूँगा दोस्तों एंट्री लेवल के स्मार्टफोन के हिसाब से यस ये डिसेंट फोटोज क्लिक करता है यहाँ पर, स्पेशली आउटडोर लाइटिंग कंडीशन अगर आप देखते हो तो यस आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में ये काफ़ी अच्छे फोटोज क्लिक कर लेता है। फ्रंट में दोस्तों आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा दे रखा है। और ये रहे कुछ कैमरा सैंपल जो फोन के सेल्फी कैमरे से क्लिक की गई है। और यहाँ पर भी मैं कहूँगा कि यस ये एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है, तो डिसेंट सेल्फीज यहाँ पे मैं कहूँगा कि इंडोर और आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में आप क्लिक कर सकते हो यहाँ पर। एक चीज़ दोस्तों मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी फोन के रियर कैमरे में। फोन में दोस्तों आप इस फोन के फ्रंट कैमरे और रियर कैमरे दोनों से ही दोस्तों 720p और 1080p तक वीडियोज को रिकॉर्ड कर सकते हो, यस। और आप वीडियो क्वालिटी देख ही सकते हो, कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट वीडियो क्वालिटी इज डिसेंट। ओवरऑल दोस्तों अगर हम इस फोन के कैमरे की बात करते हैं तो मैं कहूँगा कि यस कुछ लाइटिंग कंडीशन में काफ़ी अच्छे फोटोज क्लिक करता है, कुछ लाइटिंग कंडीशन में थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, लेकिन ओवरऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं कहूँगा कि यस आपको फोन में रियर और सेल्फी कैमरा डिसेंट देखने को मिल जाता है। परफॉर्मेंस के लिए फोन में दोस्तों आपको मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर दे रखा है, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 12 nm वाला प्रोसेसर है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग के लिए आपको 2 GB की रैम दे रखी है और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज दे रखा है। एंड यस आप अलग से मेमोरी कार्ड डाल के भी 512 GB तक स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों परफॉर्मेंस भी आपको फोन में डिसेंट देखने को मिल जाता है एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से। P22 प्रोसेसर इज डिसेंट, आप यहां पर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। एंड हाँ, सरप्राइजिंग दोस्तों यहां पर अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो यस आप दोस्तों इस फोन में PUBG जैसे गेम को भी खेल सकते हो एकदम लो सेटिंग्स में। ये चीज़ मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, जो मुझे लगा कि शायद आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो यस अगर आप इसमें गेम खेलना चाहते हो, यहाँ पर नॉर्मल ऐसे ही PUBG को एंजॉय करना चाहते हो, तो वो भी आप इस गेम फोन में खेल सकते हो। फोन का दोस्तों जो एक्चुअल प्राइस है वो है 6499, लेकिन दोस्तों फ्लिपकार्ट सेल्स के दौरान 6 अगस्त को दोपहर के 12 बजे यानी कि फर्स्ट सेल्स के दौरान दोस्तों ये फोन आपको मिलेगा 5999 में, यानी कि 5999 रुपये में, यानी कि आपको टोटल 500 rupees का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में आपको 0 cost EMI भी मिलेगा अप टू 6 months। हंगामा म्यूजिक ऐप का आपको ऑफर भी मिलेगा दोस्तों कॉल एंड विन कॉन्टेस्ट के दौरान। वैसे दोस्तों अगर मैं कॉल एंड विन कॉन्टेस्ट की बात करता हूं तो अगर आप ऑनर 9S स्मार्टफोन खरीदते हो तो दोस्तों आपको एक नंबर पर सिर्फ कॉल करना होगा, उसके बाद दोस्तों आप इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट हो जाओगे। और हर हफ्ते दोस्तों ऑनर 3 लकी विनर्स निकालेगा, जिन्हें दोस्तों कुछ
अमेजिंग दोस्तों प्रोडक्ट मिलेगा, गुडीज मिलेंगे यहाँ पर ऑनर की तरफ से, जैसे कि ऑनर बैंड 3 हो गया। तो इस कॉन्टेस्ट के बारे में दोस्तों ज़्यादा जानकारी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, अब वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो ऑनर 9S एंड्रॉयड 10 पे बेस है एंड ये आता है दोस्तों ऑनर्स के फ्लैगशिप मैजिक UI 3.1 वर्जन के साथ। और इसमें दोस्तों आपको काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग मिल जाती है, जैसे कि द ऐप गैलरी हो गया, इसके अलावा दोस्तों आपको इस फ़ोन में पेटल सर्च मिल जाता है, क्विक ऐप्स मिल जाता है। आप में से दोस्तों बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि ऑनर के फ़ोन में क्या प्ले स्टोर का सपोर्ट है। वेल दोस्तों प्ले स्टोर का सपोर्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह के ऐप को यूज़ करना है, फ़ोन में किसी भी तरह के एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। यही नहीं दोस्तों, आप फ़ोन क्लोन की मदद से एक सिंगल क्लिक में अपने पुराने फ़ोन के जितने भी प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है, डेटा है, वो सीधा अपने ऑनर फोन में ले सकते हैं। फोन में दोस्तों आपको प्री इंस्टॉल ऐप गैलरी का सपोर्ट मिल जाता है, जिसकी मदद से दोस्तों आप अपने फेवरेट एप्लीकेशन को ईजिली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐप गैलरी में दोस्तों आपको सारे बैंकिंग ऐप, जैसे कि दोस्तों पेटीएम हो गया, या फिर दूसरे इंटरेस्टिंग ऐप एयरटेल हो गया, फ़ोनपे हो गया, या फिर दोस्तों आपको आरोग्य सेतु ऐप चाहिए तो उसका भी सपोर्ट आपको मिल जाता है, फ्लिपकार्ट, और भी दोस्तों बहुत सारे एप्लीकेशन आपको ऐप गैलरी में मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप डाउनलोड करके ईजिली आप ऐप को अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। इंडिया के दोस्तों टोटल 500 पॉपुलर ऐप में से दोस्तों करीब 85% ऐप्स जो है दोस्तों आपको इस ऐप गैलरी के अंदर देखने को मिल जाएगा, और साथ में पेटल सर्च। और अगर दोस्तों मैं पेटल सर्च की बात करता हूँ तो दोस्तों पेटल सर्च में जाके आप सिंगल क्लिक करके यहाँ पर आप अपने जो भी फेवरेट एप्लीकेशन है उसे सिंपल यहाँ पर सर्च करके यहाँ पर, फॉर एग्जांपल आपको अगर व्हाट्सएप यूज़ करना है तो यहाँ पर आप सिंपली आके व्हाट्सएप टाइप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली आप देखिए एक सिंगल क्लिप में यहाँ पर दोस्तों व्हाट्सएप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये दोस्तों ऐप गैलरी को इस्तेमाल करने के बाद और ये पेटल सर्च को इस्तेमाल करने के बाद मुझे एक्चुअली में लगा कि या इसमें एप्लीकेशन की कोई कमी नहीं होगी। एंड दोस्तों मेरे ख्याल से ऑनर इस चीज़ में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, इंडियन यूजर्स को समझ रहा है यहाँ पर कि उनके लिए एप्लीकेशन का सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ऑनर ने इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा है कि आपको एप्लीकेशन की कोई कमी ना हो, जो भी आपका फेवरेट एप्लीकेशन हो वो आप यूँ चुटकियों में इजीली एक सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सके। तो या इसके लिए मेरे तरफ से आई थिंक ऑनर को मेरी तरफ से एक थम्स अप। सो ये था दोस्तों एक कंप्लीट ऑनर 9S स्मार्टफोन। वेल अब ओवरऑल क्या लगता है मुझे स्मार्टफोन को लेके? वेल दोस्तों देखा जाए तो ओवरऑल ये एक डिसेंट एंट्री लेवल स्मार्टफोन है ऑनर की तरफ से, और सीरियसली जो इसकी प्राइसिंग रखी गई है दोस्तों फर्स्ट सेल्स के दौरान 599, ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और एक कॉम्पिटिटिव प्राइस कहूँगा मैं, और इस प्राइस पॉइंट पर ये फ़ोन मैं कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया है, गुड एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है ऑनर की तरफ से। और ये उन लोगों के लिए दोस्तों जो एक फीचर फ़ोन से स्विच करना चाहते हैं एक स्मार्टफोन में, तो उन लोगों के लिए आई थिंक मेरे ख्याल से दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छा हो सकता है। 599 रुपीज़ है इस फ़ोन का प्राइस, जो मैं कहूँगा कि यस एक काफ़ी अच्छी प्राइसिंग यहाँ पर ऑनर ने रखी है। सो या ओवरऑल इट्स अ गुड एंट्री लेवल बजट स्मार्टफोन फ्रॉम ऑनर। वेल दोस्तों ये तो था मेरा ओपिनियन, अब आपको क्या लगता है, आपके क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट करके मुझे बताना। एंड हाँ दोस्तों आप में से कोई एक लकी विनर को मैं ये स्मार्टफोन दे रहा हूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और नीचे कमेंट में इस फ़ोन के बारे में सिर्फ एक ही कमेंट करना है आपको, कुछ भी इस फोन के बारे में जो आपको अच्छा लगता है, जो भी चीज़ आप सोचते हो, जो भी आपके ओपिनियन है स्मार्टफोन को लेके। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट कर लेना, और जो रिजल्ट है दोस्तों मैं कुछ ही दिनों के अंदर दोस्तों यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर अनाउंस कर दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि इसका विनर कौन है। वेल दोस्तों इस वीडियो के बस इतना ही, इंटरेस्टिंग लगे वीडियो, मज़ा आया वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर दबा लेना, कुछ भी सवाल नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलता हूँ दोस्तों मैं आपको एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए goodbye.